वाराणसी के नेताजी इंटर कॉलेज बरकी में बीजेपी ने किसान मोर्चा द्वारा किसान सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने शिरकत की। मुख्य अतिथि राजकुमार चाहर ने अपने संबोधन में कहा कि किसान भारत का भाग्य विधाता है और भारत का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास की गंगा बहा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से बीजेपी के साथ एकजुट होकर खड़े रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत पूरे विश्व में नंबर एक बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार बनाने का संकल्प ले। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस सिर्फ लोक लुभावने वायदे कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और वाराणसी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, सेवापुरी विधायक नील रतन सिंह पटेल, जिला महामंत्री प्रवीण सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी, सैकड़ों कार्यकर्ता और हजारों की तादाद में किसान मौजूद रहे। आज यहाँ हमारे सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का यहाँ कार्यक्रम था। चाहे हमारे केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार, जो किसानों के हितों में जो काम किया है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था पर जो हमारी सरकार ने काम किया है, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। आज जो हमारी सरकार ने इस देश के, प्रदेश के युवाओं की चिंता की, किसानों की चिंता की, माँ बहनों की चिंता की, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उस नारा को चरितार्थ करते हुए उस पर प्राथमिकता के तौर पर हमारी सरकार ने काम किया।